कोरोना का भयावह रूप एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। दरअसल चीन के शंघाई शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई के करीब 1 करोड़ जनता 2 साल बाद इस समय बेहतर सख्त लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है। चीन में कोरोना को रोकने के लिए ये सख्त लॉकडाउन ऐसे समय पर लगाया गया है जब दुनिया अब इस महामारी के साथ जीना सीख चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दूसरी दुनिया में उतनी घबराहट नहीं है जितनी कि चीन में है। चीन ने कोरोना से बचने के लिए शंघाई शहर में लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन बैगन के इस फैसले से दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। चीन के सख्त लॉकडाउन की नीति से दुनिया की अर्थव्यवस्था और वितरित बाजार संकट में आ रही हैं। वह भी तब भी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और दुनिया में महंगाई आसमां छू रही है। चीन ने शंघाई में व्यापक टेस्टिंग शुरू की है। चीन के इस ऐलान में दुनिया भर में खलबली मच गई है। तेल के दामों में तेजी से गिरावट आई है। व्यापारियों को डर है कि इस लॉकडाउन में से डिमांड से कभी ना आ सके। इस चीन एक बार बड़ा तेल आयात देश है और हर दिन 1.1 करोड़ बैरल तेल को खरीदता है। खैर, देखना होगा कि चीन इस संकट से कब तक उबरता है।